आप देख रहे हैं इंडिया टॉप न्यूज, सच की खबरें सबसे पहले। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारे के साथ संपन्न हुआ वार्षिकोत्सव। जालौन के ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा आईटीआई कॉलेज में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माध्यम से कॉलेज में पढ़ने वाले गरीब छात्र छात्राओं को निशुल्क बैग भी बांटे गए, तो वहीं छात्राओं ने नाटक के माध्यम से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश दिया। कॉलेज के डायरेक्टर प्रियांक शर्मा ने बताया, हमारा उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है, जिससे गाँव के युवा रोजगार परक शिक्षा प्राप्त कर सके। गरीब छात्रों के लिए हमारे कार्यालय में पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। कोई भी प्रतिभावान छात्र गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न हो, यही हमारे कॉलेज के प्रयास है। इंडिया टॉप न्यूज से ब्यूरो चीफ संतोष कुमार सोनी की खास रिपोर्ट, जालौन। आज हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सेकंड ईयर के प्रत्येक छात्र को जो आईटीआई की परीक्षा में पूर्ण रूप से पास हुआ है, जिन्होंने ज़िले में नाम किया, उनको पुरस्कार वितरण किया गया एवं जो इस साल के प्रवेशित छात्र हैं उन सभी को निःशुल्क बैग, किताबें, ड्रेस ये प्रदान की गई। हमारे कॉलेज का मुख्य उद्देश्य ये है कि छात्र चाहे जितना भी गरीब हो, उसे तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश बच्चे फीस अधिक होने के कारण या उनके पास रुपए न होने के कारण वे तकनीकी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से हम लोगों का मुख्य उद्देश्य उन गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। इसमें बेटी जो ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि लड़कियां भी नहीं पढ़ने जाती हैं, कई ग्रामीण लोग लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करना था कि बेटियों को कॉलेज अवश्य भेजें, उनको उच्च शिक्षा अवश्य प्रदान करें।